डायग्नोस्टिक बताती है कि नहीं तू गलत तो कर रहा है, वो करता है वो, लेकिन एक अलग बात है। सिमिलरली तुम खुद सोचना, चाहे तुम अच्छे मार्क्स लाते हो चाहे तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आते हो, तुम कभी भी कोई पेपर देते हो ना, मतलब तुम एक 3 घंटे कसकर पढ़ाई करो वर्सेस तुम 3 घंटे मूवी देखो, इन दोनों सिचुएशंस में तुम्हें ज़्यादा खुशी 3 घंटे के बाद, इवन तो पढ़ाई करने से थकान हो जाती है, मूवी देखने से रिफ्रेश हो जाते हैं, लेकिन खुद को अच्छा लगता है यार आज मैंने 3 घंटे लगातार पढ़ाई करी, 200 क्वेश्चंस कर डाले, वो देखकर खुद को अच्छा लगता है रजिस्टर किया यार इतने सारे क्वेश्चंस कर डाले मैंने, खुद को बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि ये टाइम तुम्हारा पढ़ाई और मेहनत का है। इसलिए अगर तुमने 6 से 7 बजे तक रोज़ दिवाली ब्रेक में जमकर पढ़ाई कर ली ना, तो तुम बाकी का दिन बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय करोगे अपना फेस्टिवल, नहीं तो बीच में रह जाओगे, गफलत में रह जाओगे कि अरे यार अभी एंजॉय करूँ, नहीं मैं पढ़ने जाता हूँ, मम्मी मैं जा रहा हूँ, फिर बाहर आ गए थोड़ा कोई आया है या कुछ ऐसे मम्मी दिया लगा रही है कुछ भी कर रही है, फिर मतलब वो बीच में ना इधर ना उधर, ना एंजॉय करोगे ना पढ़ाई करोगे। फाइन, नाउ ACP इज डन, नाउ लेट्स गेट इनटू दीज चैप्टर्स व्हिच आई वाज टेलिंग यू। तो सबसे पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ मैथ्स। मैं जो भी अभी बताऊंगा वो JEE मेंस के हिसाब से ही बताऊंगा, JEE एडवांस में क्या इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें बाद में, और अभी अपना एम भी रिवीजन का JEE मेंस का ही होना चाहिए। ये मैं JR बच्चों के लिए कह रहा हूँ, जो ER है उनका तो एम ही JEE मेंस है, लेकिन अदरवाइज JR के बच्चों का भी यही एम होना चाहिए, इसके अलावा डेल्टा एप्सिलॉन ज़्यादा कर ही नहीं सकते। तो FOM में मॉड्यूलस क्लियर होना चाहिए तुम्हें कि मॉड्यूलस के ग्राफ कैसे बनाते हैं, मॉडुलस इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, जो भी तुम्हें मॉडुलस से संबंधित पढ़ाया गया है, प्लस लॉग अधिकतर बच्चे कर ही लेते हैं, तो अगर तुमने रिवाइज नहीं भी किया ना तो मेरी समझ से तुम्हें कोई बहुत बड़ा चैलेंज JEE मेंस के अंदर नहीं आएगा, तो तुम लॉग को छोड़ सकते हो, FOM से केवल मॉडुलस और दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इस टाइप की चीज़ आनी चाहिए समझने में कि अगर मैं बच्चों से बोलूं कि ब्रैकेट 2x का ग्राफ बना दो, स्क्वायर ब्रैकेट 2x का, तो तुम्हें पता है, पता होना चाहिए कि x बराबर इंटीजर बाय 2 पर ग्राफ बार बार टूटेगा, 0 से हाफ में कुछ बनेगा, हाफ से 1 में कुछ बनेगा, 1 से 1.5 में बनेगा, और ब्रैकेट 2x एक सिम्बॉलिक बात है, कल को आई कैन आस्क यू ब्रैकेट लॉग एक्स, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्स बराबर ई का चक्कर आएगा, ई स्क्वायर, ई क्यूब, ई फोर, ये केसेस बनाने आने चाहिए, बस इतना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर्स है, क्योंकि ये चीज़ लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेटिव बाद में काम आती है। FOM के बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक में दो चीज़ें, तीन चीज़, दो ही मानो चलो, दो चीज़ें एकदम क्लियर रखो। पहली चीज़ सम और प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जैसे कि इस क्वाड्रेटिक की रूट अल्फा बीटा है, तो 1/2 + 3 α + 1/2 + 3 β की क्या वैल्यू आएगी, इसकी रूट अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा की पावर 4 + β की पावर 4 + γ की पावर 4 निकाल के बताओ कि कितना होगा। तो इसमें हम s1 s2 s3 -b/a -c/a, ये जो क्वेश्चन हैं इन सेक्शन पर बच्चों की नज़र होनी चाहिए। दूसरा लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स का जो भी शीट में सेक्शन है उसको रिवाइज कर डालो। फिर बात करते हैं सीक्वेंस सीरीज की। सीक्वेंस सीरीज में AP और GP और AGP, AP GP और AGP संबंधित सेक्शन पढ़ डालो, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। आई एम अज्यूमिंग हर बच्चे को σn, σn² σn³ का फॉर्मूले आते हैं, अगर ये फॉर्मूले आते हैं तो यू आर डन, इसमें कोई ज़्यादा विशेष काम नहीं करना है, तो तुम केवल ये चीज़ कर डालो AP GP और AGP। सीक्वेंस सीरीज के बाद चलें ट्रिग्नोमेट्री, तो JR ER में ट्रिग्नोमेट्री FOM के रास्ते से पढ़ाया गया था। अब ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले को लिख कर लर्न करना, देख कर नहीं, क्योंकि अगर देख कर करोगे ना तो तुम परसीव नहीं करोगे कि साइन सी कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले में साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू होता है, तुम ऐसे ही बस देख लोगे और लिखते वक्त सी माइनस डी बाई टू लिख जाओगे,
छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, तो लिख लिख कर फॉर्मुलेज को याद रखो, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मुले याद नहीं हुए तो फिर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल यूँ तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन जेई मेंस में क्वेश्चन नाउ एंड देन आए हैं, इसलिए सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से क्या याद रखना है, लेंथ ऑफ द मीडियन, लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस, कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी बाय फोर डेल्टा एंड टैन ए बाय टू इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस इन टू एस माइनस ए। ये जो फॉर्मूलेज होते हैं ना, ये इन्हीं पर क्वेश्चन आ सकते हैं, और कुछ भी खास क्वेश्चन नहीं आया, एडवांस में तो सब क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन मेंस में बहुत साधारण क्वेश्चन आएगा। मैंने दो चार और डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा, ये डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा, तो क्वेश्चन इन्हीं के एट गेट घूमेंगे अगर आए तो। वैसे कम लाइकली है, तो इसे कोल्ड हैंड में रख सकते हो, क्योंकि मैं टाइम मिलेगा तो ही ऐसे करूँगा, नहीं तो चलो एक बार कुछ और लूँगा, रेस्ट ले लेंगे। कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, सर्कल, स्ट्रेट लाइन्स और कॉनिक्स। स्ट्रेट लाइन्स में जो इम्पॉर्टेंट है वो है इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड रिलेटेड क्वेश्चन, और होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर टू एच एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो, जी एफ सी वाली नहीं, बस होमोजीनियस ऑरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन। सर्कल्स के अंदर बेसिक पार्ट जो है सर्कल का, बेसिक पार्ट कौन सा है, मतलब इंफॉर्मेशन यूज करना, जैसे मैं बोलूँ बच्चों को कि बच्चों एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच करता है और वाई इक्वल टू टू एक्स को भी टच करता है और 1.8 के पास भी होता है, तो बताओ सर्कल की इक्वेशन क्या है। तो जिनमें सर्कल की इक्वेशन पूछी जाती है और कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, दोज क्वेश्चंस प्लस सिस्टम ऑफ सर्कल के क्वेश्चंस, एस प्लस लैम्डा एल फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ाए सिस्टम के अंदर, है ना, एस वन प्लस लैम्डा एस टू इक्वल्स टू जीरो, कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनकी लेंथ के फॉर्मूले, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। कॉनिक्स में दो पार्ट होते हैं, एक एलिमेंट्री कॉनिक्स होता है और एक टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला कॉनिक्स होता है। टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला जिसमें टेंजेंट या नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एलिमेंट्री कॉनिक्स का मतलब होता है कि एक एलिप्स है एक फोकस है, दोनों के एक एलिप्स है एक हाइपरबोला है, दोनों के फोकस सेम है, या इसका वर्टेक्स उसका फोकस है, तो बताओ लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का रेशियो क्या आएगा, या दोनों की एसेंट्रिसिटी का जोड़ क्या आएगा। तो तुम शीट में पाओगे कि टेंजेंट की हेडिंग से पहले पहले जो हेडिंग्स है ना कॉनिक्स में, वो मेंस में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर अपना कमांड डेवलप करो। चाहो तो एक बार के लिए टेंजेंट और नॉर्मल रिलेटेड क्वेश्चंस को फॉरगो कर सकते हो, लेकिन बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चंस आने चाहिए, और वो जो एलिमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें कॉनिक्स की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब क्या, वो तो एओडी से सॉल्व हो जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तुम्हें समझा दिया गया था कि टेंजेंट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल कैसे निकालते हैं, तो तुम अदरवाइज भी वो चीज़ कर लोगे। बच्चों का एलिमेंट्री कमज़ोर होता है और एलिमेंट्री से ही जेई मेंस के अंदर क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में दूसरे भाग से ज़्यादा आते हैं, लेकिन अभी अपना फोकस मेंस पर है। कॉनिक्स के बाद डिटरमिनेंट मैट्रिसेस पर चले तो क्रैमर्स रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, इन्फाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, ये चीज़ एकदम थरो होनी चाहिए, इन एंड आउट बहुत फ्रीक्वेंटली आती है ये। प्लस उस टाइप के क्वेश्चन जो अधिकतर बच्चों को आसान पड़ते हैं, किस टाइप के, कि सपोज मैं तीन बाय तीन की एक मैट्रिक्स दे दूँ और मैं बच्चों से बोलूँ कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताओ, तो हमें पता होता है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन होता है। तो ये छोटे छोटे मतलब या तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा इस टाइप का रहता है, या टिपिकली फिर क्वेश्चन क्रैमर्स रूल पर रहते हैं। वेक्टर थ्री डी,
वेक्टर 3D में जो 3D का पार्ट है लगभग उससे एक क्वेश्चन और वेक्टर से एक क्वेश्चन रहता है, जो स्कोरिंग रहता है बच्चों के लिए वो 3D वाला प्लेन और स्ट्रेट लाइन। तो तुम्हें एक सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन दे दी जाती है और तुम्हें प्लेन दे दिया जाता है, और फिर उसका कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चन शीट के अंदर हैं प्लेन और स्ट्रेट लाइन से संबंधित, तो उस पर अपनी फोकस कर लो बस। वेक्टर्स का जो पार्ट होता है ना, अगर उसे तुमने नहीं भी रिवाइज किया तो तुम्हारा काम चल जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ऐसा नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस है जिसके लिए तुमने रिवाइज नहीं किया तो काम नहीं चलेगा। जैसे एडवांस में तो क्या होता है बच्चों, इक्वेशंस पे आ जाते हैं या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन पर आ जाते हैं, तो अपने को थोड़ा सा करना पड़ता है। लेकिन मेंस में जो वेक्टर का पार्ट होता है उससे क्वेश्चन काफ़ी साधारण आते हैं, तो वो बच्चे तो भी कर सकते हैं। लेकिन VTP का प्रोडक्ट देख, VTP का फॉर्मूला देख कर जाओ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं किया होगा तो तुम भूल जाओगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अच्छा, इसके अतिरिक्त कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रायंगल इनइक्वालिटी इम्पॉर्टेंट है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी कौन सी होती है, मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू इज लेस देन इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू, इस टाइप के जो होते हैं कि भाई मॉड जेड बराबर 4 है, जेड माइनस 6 का होल मॉडुलस का मिनिमम मैक्सिमम बताओ, तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं शीट में मिल जाएंगे तुम्हें। ये सारे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में इम्पॉर्टेंट है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल पे आते हैं। तो बाइनोमियल में कोफिशियंट निकालना सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेंस के अंदर। कोई भी तुम्हें क्वेश्चन ऐसा करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं तुम्हें बोलूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट या एक्स की पावर 5 का कोफिशियंट बताओ इन 2 - 3/√x का होल 7 इंटू 2 + x का होल 5। तो एक बाइनोमियल इंटू दूसरा बाइनोमियल दे दिया और तुमसे पूछा है कि एक्स की पावर 5 का कोएफिशिएंट बताओ, या कौन कितने टर्म्स इसमें ऐसे आएंगे जो एक्स से इंडिपेंडेंट होंगे, या ऐसे कितने टर्म्स आएंगे जिनमें एक्स की पावर इंटीजर आएगी। तो इस सारे कोएफिशिएंट मतलब सारे एक्सपेंशन आधारित क्वेश्चन होते हैं कोएफिशिएंट निकालने वाले। फॉर्मूला याद होना चाहिए 1 - x^-n में r का कोफिशियंट n + r - 1 cr, ACP में मिल जाएगा डोंट वरी। और अगर शीट मिल गई हो, शीट मिल गई बच्चों के, शीट मिल गई है तो शीट में और विस्तार पूर्वक मिल जाएगा। बाकी ACP में क्या है, थोड़ा सा और कट शॉर्ट करके डाला है कि प्रैक्टिकल ग्राउंड में रहते हुए यही इतना ही कर पाओगे और यही आपको श्रेष्ठ भी है करना, ठीक है। तो ACP को थोड़ा सा रेफर करना डाला। तो बाइनोमियल में कोफिशियंट वाले प्रॉब्लम। PNC में सेलेक्शन अरेंजमेंट और फिगर, ये क्या है सेलेक्शन और अरेंजमेंट, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों को याद होंगे कि भाई दो वॉवल, ये दोनों वॉवल साथ साथ ही आएंगे, कोई भी दो वॉवल साथ साथ नहीं आएंगे, ए पहले आएगा आई से, आई बाद में आएगा यू से, तो बताओ कितने तरीके हैं, या ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं लेकिन 3 से नहीं है। तो इस टाइप के जो ये सिलेक्शन पर आधारित होते हैं ना क्वेश्चन और अरेंजमेंट पर, मतलब जो तुम्हें लगभग PNC में पहले 2 से 3 लेक्चर में पढ़ाया जाता है, 2 लेक्चर में, वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बेगर वाला कौन सा होता है, x1 + x2 + x3 = n है, तो कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन हैं इसके, n + p - 1 c p - 1। अभी सब बच्चे इसलिए एकदम रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि टिप्स पे नहीं होगा, अभी थियोरेटिकली नहीं देखा है हमने, लेकिन मैं इसी उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ कि जैसे नोट कर लें और फिर बाद में जब यू विल कम अक्रॉस PNC चैप्टर तो मैप कर सकते हैं अच्छा सर ये वाली बात कह रहे होंगे। प्रोबेबिलिटी काफ़ी आसान आती है यहाँ पर, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी आती है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी माने नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो नाम तो प्रोबेबिलिटी का होता है लेकिन काम सारा PNC का होता है। जैसे जी एडवांस के अंदर बेसिक अप्रोच ज़्यादा आती है लेकिन यहाँ पर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी से काम चल जाएगा। जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से टर्मिनोलॉजी जानकर रखो। टर्मिनोलॉजी कौन सी, प्रॉपर डिवाइजर्स, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, मान लो पढ़ाऊंगा बोला प्रॉपर डिवाइजर्स की संख्या निकालो, अपने को याद ही नहीं है प्रॉपर का क्या मतलब होता है या प्रॉपर सबसेट क्या होता है। फिर बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की। इंटीग्रल कैलकुलस में इंडेफिनिट, डेफिनेट और डिफरेंशियल,
इनडेफिनेट में ट्रिग्नोमेट्रिक ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है साइन मतलब जैसे एक तो होता है एल्जेब्रिक इंटीग्रल्स एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स तो जेई मेन्स में ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स ज़्यादा आते हैं साइन कॉस टैन फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए अगर रिवाइज नहीं करोगे तो बच्चे फॉर्मूलेस भूल जाएंगे जरा एक बार मैं टेस्ट करके देखता हूँ साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल क्या होता है वो डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल का कोई फॉर्मूला नहीं होता है ठीक है ये एक्सीडेंट ऐसे तो होता है क्योंकि अपन ने रिवाइज नहीं किया अब अपने को याद तो है कि साइन इनवर्स एक्स और अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में कोई रिश्ता था कुछ भी लगा देते हैं है ना बाय पार्ट से सॉल्व करना पड़ेगा कोई तरीका ही नहीं है और ठीक तो यही सिली मिस्टेक्स के रूप में एग्जाम्स हो जाएंगी अगर हम रिवाइज करते हैं अगर ठीक है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर प्रॉपर्टीज बेस क्वेश्चन माइनस ए से ए से बी इज ए से सी सी से बी प्लस एरिया का क्वेश्चन और एरिया का क्वेश्चन जब आता है तो वो टिपिकली कॉनिक के साथ आता है या पॉलिनोमियल के साथ आता है मतलब तुम्हें वो एक एलिप्स इक्वेशन दे देंगे और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे देंगे जो एलिप्स की कॉर्ड होगी तो वो दो भागों में बांट रही होगी तुमसे यही पूछ लेंगे दोनों भाग का रेशियो बताओ एरिया का कि रेशियो कितना है तो साधारण क्वेश्चन आता है एरिया का मतलब काफ़ी स्कोरिंग बोलूँगा मैं तो मतलब एरिया की प्रैक्टिस अच्छी रहनी चाहिए बच्चों की क्योंकि वो क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट हो जाने वाला है फिर तीन अहम चैप्टर्स आते हैं जो एक्सक्लूसिवली जी मेन्स के हैं एडवांस के सिलेबस में नहीं है सेट्स एंड रिलेशन स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिकल रीजनिंग सेट्स एंड रिलेशंस में रिलेशंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और रिलेशंस में भी क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस में क्या पढ़ते हैं कि कौन से रिलेशन इक्विवेलेंट हैं कौन से रिफ्लेक्सिव हैं कौन से ट्रांजिटिव हैं सिमेट्रिक हैं जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो समझ पा रहे होंगे इसलिए मैं धीरे धीरे रिफ्लेक्सिव चार पांच चीज़ें बोल रहा हूँ जैसे रिलेट कर लें जो भी अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी है रिलेशंस का एक क्वेश्चन लगभग हर साल आएगा और बहुत आसान आता है 100% स्ट्राइक रेट वैसी है अगर आएगा तो इसलिए कोई भी गलती मत करना कि मैं ये चीज़ को छोड़ दिया और 15 मिनट या 20 मिनट या 25 मिनट से ज़्यादा इस चैप्टर की डिमांड नहीं है पढ़ने की सर भी खुद ही मतलब लगभग एक या दो लेक्चर में पढ़ा देते हैं पूरी चीज़ तो रिवाइज तो 25 मिनट में कर सकते हो और एक क्वेश्चन पक्का स्टैटिस्टिक्स में वेरियंस सबसे इम्पोर्टेंट है वेरियंस रिलेटेड क्वेश्चन ये एक सैम्पल साइज है ये एक सैम्पल साइज है इसका वेरियंस ये दोनों को मिक्स कर दिया बताओ क्या वेरियंस है केवल ये नहीं कि एक सिंपल सा फॉर्मूला रट लिया और फॉर्मूला नहीं जो भी शीट में वेरियंस रिलेटेड क्वेश्चन है ना उन पर पैनी नजर रखना सब चीज़ समझ में आनी चाहिए कैसे होती है तीसरी चीज़ मैथमेटिकल रीजनिंग अच्छा स्टैट्स को भी मुश्किल से 25-30 मिनट ही लगेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग क्या है मैथमेटिकल रीजनिंग में नेगेशन कॉन्ट्रा पॉजिटिव ट्रुथ टेबल ये तीन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए मतलब तुम्हें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर देने पी और क्यू इम्प्लाइज आर पी ट्रू है क्यू फॉल्स है आर ट्रू है तो बताओ ये पूरा स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या है ट्रू है या फॉल्स है ठीक है तो ये लिखना कुछ भी स्टेटमेंट दे रखा है और इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स वैल्यू दे रखी है तो पूरे स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये चीज़ आना ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता था मैं याद दिला रहा हूँ बस यदि मेहनत करोगे तो सेलेक्ट होगे ये एक स्टेटमेंट है फिर तुम्हें चॉइस दे देते हैं लोग कि मेहनत करी भी और सेलेक्ट भी नहीं हुए क्या ये इसका ऑपोजिट है निगेशन है या चॉइस में कॉन्ट्रा पॉजिटिव दे रखी होगी है ना कि अगर मेहनत नहीं करोगे तो निश्चित है सेलेक्ट भी नहीं होगे क्या ये और जो पहला स्टेटमेंट बोला दोनों सेम है कॉन्ट्रा पॉजिटिव है तो इस टाइप के क्वेश्चन शीट में तुम्हें मिलेंगे तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये कैसे करते हैं क्योंकि ये वापस ये तीनों क्वेश्चन ऐसे होते हैं 100% स्ट्राइक रेट अब 30 में से 3 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं 10% मार्क्स ऐसे ही आ रहे हैं तो सोचो कितना बढ़िया सौदा है मतलब
डेढ़ या दो घंटे के इन्वेस्टमेंट में तीन क्वेश्चन तुम बना सकते हो। आई थिंक सो मैंने सारे चैप्टर्स कवर कर दिए हैं, बच्चों की तरह कोई चैप्टर रह गया बच्चों? एलसीडी डिफरेंशियल कैलकुलस। तो बच्चों देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस में ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सिंप्लीफिकेशंस आने चाहिए। कौन से क्वेश्चन? साइन ऑफ ट्वाइस टैन इनवर्स एक्स कैसे सॉल्व करते हैं, है ना? कॉस ऑफ हाफ ऑफ टैन इनवर्स एक्स कैसे सॉल्व करते हैं? तो ये एक अहम चीज है सिंप्लीफिकेशन। फंक्शन में दूसरी चीज रेंज निकालना आनी चाहिए, और जब रेंज की प्रैक्टिस करो तो AOD के साथ उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि रेंज मैक्सिमा मिनिमा मोनोटोनिसिटी ये सब एक ही चीज़ है, कुछ भी अंतर नहीं है इनमें। तो एक साथ इसकी प्रैक्टिस करना, और वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन कैसे पहचानते हैं और ऑन टू फंक्शन, दैट्स इट। रोल्स थ्योरम एलिमिनिटी थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है मीन्स के हिसाब से, है ना? एडवांस में बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। लिमिट्स स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज इंपॉर्टेंट है, साइन एक्स बाई एक्स लॉग ऑफ वन प्लस एक्स बाई एक्स, ये फॉर्मली ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं लिमिट्स के, यही इंपॉर्टेंट है। और कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी में एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी है ना, एक्स बराबर जीरो पर ये कंटिन्यूस है क्या, ये डेरिवेबल है क्या? जैसे एक तो होता है इंटरवल में, कि इस इंटरवल में कितने पॉइंट्स पर नॉन डेरिवेबल है, पॉइंट की कंटिन्यूटी ज़्यादा आती है इंटरवल की उपेक्षा में। अच्छा, विद दिस आई थिंक सो आई हैव नाउ कवर्ड एवरी टॉपिक। यस आई हैव, फाइन। तो इन द एंड आई विल अगेन जस्ट समराइज फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू रिमेम्बर। पहली चीज़ मैंने बोला है कि बच्चों को जो चैप्टर्स ACP के हैं उसको बहुत सिंसियरिटी से करना है, और हमारी एजेंडा ACP का यही था कि बच्चों की दिवाली ब्रेक ACP के लिए जाए। वो कर लिया तो तुम बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे दुनिया को। दूसरी चीज़ ये है कि तुम्हें जो ड्यूरेशन दिवाली ब्रेक के अतिरिक्त मिलेगी रेगुलर क्लासरूम्स में, उसी में बच्चों को समय निकालना है रिवीजन के लिए, क्योंकि क्लासेस खत्म होंगी तुम घर जाओगे JEE Mains का एग्जाम दे दो। उसके लिए तुम्हें स्मार्ट वर्क और एफिशिएंट वर्क करना है, तो यू हैव टू कट डाउन योर रेगुलर एक्टिविटी। जो टाइम इधर उधर छोटा मोटा बर्बाद करते रहते हैं ना, उस चीज़ को कट करके उसको रिवीजन में चैनलाइज करना है, दैट्स इट। इसके बाद दिसंबर के एंड में जब JEE Mains तुम जाओगे तब वापस से एक बार मिलेंगे, और पेपर देने की टैक्टिक्स या किस हिसाब से पेपर का एक्सपेक्टेशन होता है और पेपर के दौरान क्या करना है, टेस्ट सेंटर पे क्या करना है क्या नहीं करना है, तब की थोड़ी सी प्रायोरिटीज अलग होगी। आज की प्रायोरिटी रिवीजन सिलेबस कंप्लीशन अफेक्टिव एकेडमिक्स बनती थी। विद दिस आई क्लोज, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। मैं SM सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बच्चों को आगे मार्गदर्शन दें। SM सर काफ़ी बढ़िया बोलते हैं और बच्चों को हमेशा बड़ा आनंद आता है SM सर को सुनने में।